वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। टुडे इज डे थ्री इन सिंगापुर। डे टू काफ़ी हैक्टिक था, आपने देखा होगा दो ब्लॉग्स में हमने बनाया है उसको। बेसिकली एक में हमने यूनिवर्सल स्टूडियो कवर किया है और दूसरे में वी हैव कवर्ड द विंग्स ऑफ टाइम। अगर नहीं देखा है तो या इधर यहाँ और यहाँ मैंने आई बटन में उस वीडियो को डाल दूंगा, जाके जरूर देखना। दोनों बहुत मज़ेदार हैं। आज डे थ्री है एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज का दिन और मज़ेदार होने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं मरीना बे सैंड्स, मोस्टली इस एरिया को। सो स्टार्ट आज करते हैं आर्ट एंड साइंस म्यूजियम से, उसके बाद हम जाएंगे गार्डन्स ऑफ वे और फिर उसके बाद मरीना बे सैंड्स के ऑब्जर्वेशन टेक पे। We are at Art and Science Museum. So this is Future World, जिसका हमने टिकट लिया है। यहाँ पर different attractions हैं, like Future Worlds है, एक पिंगनिकानी something है। तो हमने Future World का टिकट लिया है, वो अब आपको दिखाते हैं। So we need to get our ticket scanned here. तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इफ यू एंजॉय द किड्स वर्क, लेट मी शो यू। तो आपको ये पेपर मिलेगा विच यू नीड टू कलर एंड स्कैन इट, और स्कैन करने के बाद वो सेम ड्राइंग आपको इस बोर्ड पे दिखाई देगा। सो लेट मी शो यू गाइस, ये रहा। Thank you.
सो वी आर डन विथ आर्ट एंड साइंस म्यूजियम. हमने वहाँ पे डिफरेंट गैलरीज हैं, वहाँ पे एक ही गैलरीज की हमने, दैट इज़ फ्यूचर वर्ल्ड. आप आओ तो डिफरेंट गैलरी जा सकते हो, बट जो बेस्ट थी हमने वो किया. नाउ पीछे दिस इज आर्ट एंड साइंस म्यूजियम. यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ से नाउ वी आर गोइंग टू गार्डन्स बाय बे. सो गार्डन बाय बे आ चुके हैं. गार्डन बाय बे में हम तीन बुकिंग करी हुई थी. पहली बुकिंग थी फ्लावर डोम की, सो वी आर एंट्रिंग टू फ्लावर डोम. डन विथ फ्लावर डोम. फ्लावर डोम काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब जिसे सीनरी या नेचर पसंद है मस्ट गो फॉर देम, मस्ट गो. और दूसरा एयर कंडीशन था, तो इट्स अ ब्राइट हॉट सनी डे, तो एयर कंडीशन कौन रहना नहीं पसंद करता है. सो डन विथ द फ्लावर डोम. बगल में ही क्लाउड फॉरेस्ट है, सो वी आर गोइंग टू क्लाउड फॉरेस्ट नाउ एंड देन वी गो टू द गार्डन्स बाय बे के सुपर ट्री स्ट्रक्चर पे. सो लेट्स गो टू क्लाउड फॉरेस्ट नाउ. सो वी एंटर्ड इन क्लाउड फॉरेस्ट. लेट मी शो यू. ये चलते हैं ऊपर की तरफ से. ये फॉल किस तरह से दिखता है वो आपको दिखाते हैं. नीचे से तो ऑसम, ये मैनमेड क्रिएचर्स हैं, बट लग नहीं रहे कि मैनमेड क्रिएचर्स हैं. मैनमेड क्रिएचर है, अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है. सो मतलब सिंगापुर की में जिस तरह से गर्मी होती है उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है, और घूमने में इसलिए ज़्यादा मज़ा ही आ रहा है. Thank you.
एक फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे वाटरफॉल व्यू है, जहाँ से वाटरफॉल जो गिर रहा है उसका व्यू दिखता है। तो लेट्स गो ऑन दैट फ्लोर।